हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि फोर क्लिप 5 मिनट में फोर क्लिप कैसे चलाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि फोर क्लिप 5 मिनट में कैसे चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को फोर क्लिप दिखाना चाहता हूँ। ये जो फोर क्लिप आप देख रहे हैं, ये 2.5 टन का फोर क्लिप है, टोयोटा का फोर क्लिप है, ठीक है। तो आइए मैं आप लोग को बताता हूँ पहले इसमें क्या क्या होता है। एक तो आप लोग आप पहले इस ये देख ये जो आप देख रहे हैं, ये एस्केलेटर है, ये एस्केलेटर है, और ये ब्रेक है, और ये क्लच, और यहाँ पे सेल्फ है। और ये जो दो आप कैलिबर देख रहे हैं, इसके बारे में बताऊंगा। ये कैलिबर इसलिए कि जो आपका ये जो ब्लेड है जिससे आप सामान उठाते हैं, इसको अप डाउन करने के लिए है। और इधर आइए, और ये जो देख रहे हैं, ये है हैंड ब्रेक। जब आप स्टार्ट करने के बाद, जब आप किसी का उठाना है कोई सामान, या कोई पायलट आपको उठाना है, तो पहले आपको यहाँ हैंड ब्रेक को छोड़ा लेंगे। अभी मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए, देखिए, एस्केलेटर पर पहले पैर रखेंगे, फिर एक यहाँ क्लच पे रखेंगे, क्लच को दबा के रखेंगे, और इसको सेल्फ मारेंगे। जैसे हमारा ब्लेड थोड़ा नीचे है, ब्लेड आप इसको लीवर को इससे दबाएंगे, ब्लेड को आप कैलिवर को, या इससे कैलिवर को हम नीचे ऊपर करते हैं, और इससे ये दूसरा वाला कैलिवर है, इसको इससे हम आपको आप इसके सामान को उठा के लेंगे, आप आगे की तरफ दबाएंगे डाउन होगा, आपके तरफ दबाएंगे तो अप होगा, ठीक है। और यहाँ पे इधर आइए, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, इधर गियर है, जो आप देख रहे हैं ये है गियर। ये इसमें केवल दो ही गियर होता है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। ये देखिए, ये जो रिवर्स है, और ये आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। अभी मैं आपको चला कर दिखाता हूँ। ये आगे की तरफ करेंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा गियर, और उसके बाद आप इसको स्टीयरिंग से घुमा करके आप चला कर देंगे। आप ऐसा करेंगे तो बैक होगा, ऐसा करेंगे तो बैक होगा। ये मैं आपको सामान उठा कर दिखाता हूँ, पायलट उठा कर दिखाता हूँ। इसको आपको नीचे करना है, नीचे कर करके फिर आगे की तरफ जाना है, और वहां से निकलना जाना है, फिर ऐसे लगाकर दोस्तों, आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मैं वीडियो और भी फोर क्लिप के बारे में और आगे बताऊंगा कि इसका मेंटेनेंस कैसे आप घर पे कर सकते हैं।